वेलकम फ्रेंड, रात्रि के 10 बज चुके हैं और वायदे के मुताबिक आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है रात्रि 10 बजे से। जी हाँ बिल्कुल, हर दिन आपकी क्लास रात्रि 10 बजे से होती है डीएलएड मैथ। देखिए थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, आप लोग देखने की कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच उसे बोल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता जानते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं संभावना भी बोलते हैं और प्रायिकता भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश हमें थोड़ा कम आती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके डीएलएड की क्लास का एक नया चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। देखिए कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसका परिणाम आता है। जी बिल्कुल, चाहे आप वो काम छुप के कर रहे हैं या सबके सामने कर रहे हैं, उसका परिणाम आएगा तो सबके सामने आएगा। इस बात को आप बहुत गहराई से समझिएगा। तो परिणाम दो प्रकार के होते हैं। एक परिणाम वो होता है जो निश्चित होता है कि बार बार अगर आप काम करेंगे वो तो वही परिणाम आएगा, और एक परिणाम होता है जो अनिश्चित होता है, मतलब आप वही काम बार बार करें लेकिन उसका परिणाम बदल बदल के आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे होगा, तो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, बाकी ऐसे झूठी बकैती नहीं बता रहे, ऐसा उदाहरण बताएंगे जिसे आप करके देख लेंगे। और इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को तुरंत लाइक कर दें, जो हमारे नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें, आगे चलते हैं। देखिए जिनके परिणाम निश्चित होते हैं उनमें क्या होता है, मैं आपको एक व्यवहारिक और देसी नुस्खा बता दूं जो आप खुद कर सकते हैं। जैसे अगर आप चीनी ले लें और पानी ले लें, चीनी पानी को घोलें तो बनेगा शरबत। गर्मी में बहुत शरबत बनाते थे हम लोग पहले, है ना, ये तो चीनी पानी का हो गया। या आम जानते हैं ना, भूज के लोग बनाते हैं, भाई ये देसी बात बता रहा हूं मैं, जो लोग शहर से होंगे उन लोग को नहीं मालूम होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर आप पानी में चीनी घोलेंगे तो मीठा ही होगा। आप कितनी भी बार चीनी और पानी घोलें, 100 बार घोलें, 1000 बर्तन में घोलें, वो मीठा ही होगा, हर बार मीठा होगा। मतलब ये नहीं कि भाई चीनी डालो ही ना झूठी कर दो घुल गया मीठा नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब ये कि वो मीठा ही होगा, बाकी कड़वा नहीं होगा, है ना। कभी भी पानी चीनी को एक में मिलाने पे कभी कड़वा नहीं होगा, मीठा होगा हर बार, है ना। एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल आपके किताब के अनुसार, कांच का अपवर्तनांक जिस विधि से भी निकाला जाए हमेशा इसका मान जो है सदैव 1.5 ही आता है। ये पढ़ाई लिखाई वाला लोग कब समझ रहे होंगे, लेकिन चीनी शरबत वाला जरूर समझ रहे होंगे, है ना। अगर नमक को डालेंगे सब्जी में तो सब्जी नमकीन होगी, मतलब यानी कि नमकीन तो आपको नहीं लगेगी फिलहाल, लेकिन सब्जी जैसे बनती वैसे होगी ना, है ना। कभी मीठी तो नहीं होगी ना कि मीठी जैसे लगने लगे भाई रसमलाई, मतलब ये परिणाम निश्चित है, ध्यान से सुनिएगा। अनिश्चित वाला भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अनिश्चित कब होता है। जैसे आप ले लें एक सिक्का, सिक्का मतलब जानते हैं ना, 10 या 5 रुपए का सिक्का, उसको आप ऊपर उछालिए। एक बार आपने उछाला तो हेड आया या टेल आया, आप लोग नहीं, अक्सर जब भारतीय क्रिकेट टीम में भी मैच होता है तो वहां भी सिक्का उछाला जाता है, और भी बहुत से कामों में सिक्का उछाला जाता है। तो कभी हेड आता है कभी टेल आता है, मतलब बदलता है परिणाम, बदलता है कि नहीं। तो आप जितनी बार उछालेंगे उतनी बार परिणाम बदल बदल के आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये निश्चित नहीं है। अगर आप परीक्षा देते हैं तो या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, निश्चित नहीं कि आप हर बार पास ही हो जाएंगे या हर बार फेल ही हो जाएंगे। कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों ना एग्जाम दें कि अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, है ना। तो ये सभी वो परिणाम है, वो कार्य है जिनके परिणाम अनिश्चित है। इसके अलावा एक और निश्चित वाला देखें, आपकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम नमक घोलें यानी कि NaCl, तो हर परिस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप सफेद ही प्राप्त होगा। मतलब सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम नमक घोलेंगे तो जो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा वो ऑल टाइम व्हाइट कलर का प्राप्त होगा, सफेद कलर का, कभी लाल या काला नहीं होगा। तो ये क्या है, निश्चित परिणाम है। और हम आपको बताएंगे अनिश्चित परिणाम, अभी ध्यान से देखिएगा। निश्चित परिणाम में आप और भी कुछ चीज देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल समझ लें आप लोग जिसका परिणाम निश्चित है, कि मान लेते हैं आप चोरी करते हैं,
अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको चोरी करने को नहीं बता रहा हूँ कि आज आप पड़ोसी के घर में कूद जाए, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि मान लेते हैं कोई चोरी करता है तो उसका परिणाम निश्चित है कि अनिश्चित है। उसका परिणाम निश्चित है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो लात खाएगा, पक्का मार खाएगा, है ना? सही है ना? यानी कि चोरी का परिणाम निश्चित है कि मार खाएगा पक्का, है ना? तो ये सब मैं एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में बस जाए, समझ में आ जाए कि ये दो प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं। एक कार्य वो जिनके परिणाम निश्चित हैं, एक वो जिनके अनिश्चित हैं, ठीक ना? अनिश्चित परिणाम में देखिए, जैसे अगर आप व्यापार करते हैं तो जरूरी नहीं कि हरदम लाभ ही होगा, आपको बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया 15 लाख का और आपने काम पूरा करवाया और उस काम को आपने 10 ही लाख में पूरा करवा दिया 8 लाख में, अब आपका 5 लाख या 7 लाख बच गया। या हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, और उस समय पानी बरसने लगा, बाढ़ आ गई या फिर बारिश बहुत तेज हो गई, आपका जो सामान था, मटेरियल था, बह गया, काफी नुकसान हो गया। अब क्या होगा, 15 लाख के बदले आपको 25 लाख लगाना पड़ गया, तब तो आपका 10 लाख चला गया, है ना? ये अनिश्चित परिणाम वाले हैं। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूं, आपके डीएलएड की परीक्षा में या आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे, सभी के लिए उसमें आएगा। क्या आएगा? ये आएगा प्रायिकता। उसमें हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो एग्जाम्पल बताइए, कोई दो उदाहरण बताइए जिनके कार्य निश्चित होते हैं, या कोई दो एग्जाम्पल बताइए जिनके कार्य अनिश्चित होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई दुनिया का माई का लाल गलत नहीं काट सकता है, समझ रहे ना? तो मतलब मैं जो बात बता रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप कोई गांव गली की कहानी नहीं लिखेंगे, बात तो सही होती है, बट आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज वैज्ञानिक मतलब लैंग्वेज में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, इनमें सबसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिनके परिणाम अनिश्चित होते हैं, उनको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना? और आगे देखिएगा, कुछ राम कहानी आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम 100% गारंटी लेते हैं प्रायिकता के सवाल आप हर जगह क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल, क्लास को पूरा देखिएगा, 10-15 मिनट की जो भी क्लास होगी, अभी हमारी कोशिश होगी ये क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आपकी लाइव क्लास होगी डीएलएड की, ठीक है ना? और रात्रि 10:45 से टेट एंड सीटेट और डीएलएड के लिए पर्यावरण और बाल विकास मनोविज्ञान की ऑनलाइन लाइव क्लास होगी, 10:45 से हर दिन होती है शाम को। नेटवर्क समस्या होता है तो नहीं होती, नहीं तो जरूर होती है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि सिक्कों को उछालने पर निश्चित नहीं होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जी बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपने लूडो खेला होगा या फिर आपके दादा चाचा कोई ना कोई खेलता होगा घर में, देखा होगा। उसमें एक पासा होता है जो गोला गोला गुट्टी टाइप का होता है, ऐसे ऐसे झटक के उसको खींच फेंकते हैं, है ना? उसमें छेद बना होता है किसी तरफ, क्या होता है, एक छेद, दो छेद, पांच छेद, ऐसे कुछ होता है ना भाई? ज्यादा मुझे उसके बारे में नहीं मालूम क्योंकि हमने नहीं खेला है, लेकिन फिर भी उसमें छेद तक होते हैं छेद ना। उसमें ये नहीं निश्चित होता है कि उसको हम अगर फेंकेंगे तो एक गिनती ऊपर आएगी कि दो आएगी कि तीन आएगा कि चार आएगा, कितना आएगा, कौन सा अंक ऊपर आएगा, निश्चित नहीं होता है, समझ गए ना? तो ये सभी एग्जाम्पल थे कुछ अनिश्चित वाले जिन्हें आप लिख सकते हैं परीक्षा में। बाकी तो आप बहुत से एग्जाम्पल है दुनिया में, कुछ भी आप कर सकते हैं, समझ गए होंगे ना? उम्मीद करते हैं आप लोग प्रायिकता के बारे में निश्चित और अनिश्चित परिणाम वाले कार्यों को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट करके बताएं कि हाँ हम समझ गए। अगर आप नहीं समझे हैं तब भी आप कमेंट करके बताइए कि हम नहीं समझे हैं, लेकिन आपके लिए एक मैं अच्छी दवाई बता दे रहा हूं ना, जो लोग नहीं समझे हैं उनकी अच्छी दवाई ये है, उन्हें कहीं स्टोर, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल नहीं जाना, इस वीडियो को 3 बार देखना है कम से कम, और सारा टेंशन सारी चिंता भूल करके देखना है, तभी समझ में आएगा, और पक्का समझ में आएगा, गारंटी दिलाते हैं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं, देखिएगा। इसके अलावा और भी निश्चित और अनिश्चित कार्य वाले उदाहरण हैं, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं चंद्रमा का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा का एकमात्र इकलौता उपग्रह है, ओ सॉरी, पृथ्वी का, ठीक है? पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ये निश्चित है।
इसके अलावा आप ये भी निश्चित कर सकते हैं कि पूरे आल विश्व में यानी कि आल वर्ल्ड में जो सूर्य है वो कितना है, एक ही सूर्य है, ये निश्चित है। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये क्या है, प्रायिकता है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, बट क्या है, निश्चित है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये निश्चित है, होता है ना। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताएंगे प्रतिदर्श क्या होता है, देखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। जो लोग लिखना चाहते हैं निसंकोच लिख लें, हम सामने से हट चुके हैं और ऐसे नहीं लिख पाएंगे आपकी, आप देखते रहे और लिख जाएंगे। वीडियो को रोक लें स्क्रीन पे टच करके, फिर इसको लिख डालें और फिर देखें। जो लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं, कृपया वीडियो डाउनलोड ना करें, ठीक है ना। अन्यथा आपको सभी वीडियो डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा और फिर चैनल पे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो भी वीडियो देखें ऑनलाइन देखें, अगर आपको ऑनलाइन देखने में समस्या हो रही है तो आप सीडी कोर्स या पेन ड्राइव कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और इसे कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं इसमें हमारा कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तभी तो बोल रहे हैं ना, ठीक ना। तो आगे चलें, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। किसी प्रयोग के समस्त संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मतलब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें कितना परिणाम हो सकते हैं, उन सभी परिणामों को एक में मिला देते हैं और फिर उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए भारत की राजनीतिक पार्टियां। इस समय राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, कोई भी राजनीति से संबंधित कमेंट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है इसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक में मिला लीजिए, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो भी आपके यूपी में पार्टियां चलती हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर जो समष्टि होगा यानी कि प्रदर्शित समष्टि होगा वो क्या होगा, सभी का नाम एक में शामिल करेंगे, मतलब उन सबको एक कमरे में बैठाइए जितनी पार्टियां हैं, तो वो क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है, समझ गए ना। तो इन्हें ऐसे ही समझ सकते हैं आप। दूसरा एक एग्जाम्पल समझिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई वाला। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो दो संभावना हो सकती है, पहला कि ऊपर हेड आएगा, दूसरा कि ऊपर टेल आएगा। लेकिन अगर हम एक साथ में लेके दो सिक्के उछाल दें तो क्या होगा, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए तो यानी KCH होगा, दोनों में टेल आ जाए यानी TT होगा, पहले में टी हेड आए दूसरे में टेल आए यानी HT होगा, या ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए तो TH हो सकता है। मतलब दो सिक्के एक साथ उछालने पे चार परिणाम हो सकते हैं, मतलब चार तरह के, समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं प्रायिकता और प्रतिदर्श समष्टि आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस क्लास को लाइक कर दें, जो मित्र हमारे लाइक कर चुके हैं उनको ढेर सारी बधाई एंड शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोबारा से लाइक नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोबारा लाइक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर डिसलाइक हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा, ठीक है। तो एक बार करेंगे बस। हाँ, अगर आप ये सभी क्लास हर दिन देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9793488448 पर लिख के भेजें JOIN ज्वाइन, और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। इसके अलावा आप हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान और अन्य विषय को पढ़ने के लिए अनअकैडमी पे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से PVR स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, PVR स्टडी के फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से कर लीजिएगा। इसके अलावा मैथ को आसान बनाने के लिए PVR स्टडी के मैथ आसान है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मैथ को एकदम बेटर बनाएं। जीरो लेवल की मैथ को बिल्कुल शुरू से पढ़ने के लिए, गणित सीखने के लिए, गणित का डर भगाने के लिए PVR स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए PVR स्टडी अलग चैनल है, PVR स्टडी के बाद आप लिखेंगे GRO UP ग्रुप तो वो चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पर ज्यादा क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक महान है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, PVR स्टडी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से, और हमें अनअकैडमी फेसबुक, टेलीग्राम
और गूगल प्लस के साथ साथ इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते चलते एक प्रार्थना रहेगी, इस वीडियो को अपने 3 मित्रों में अवश्य शेयर करके जाइएगा, और ऐसा आप करेंगे तो आपको सभी क्लास मिलेगी, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। इसमें सुना है ना आपने वो गाना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई उम्मीद और एक नई क्लास के साथ, इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।